वेलकम फिफ्थ स्टैंडर्ड का नाइन्थ चैप्टर मैथ्स का, मैथ सब्जेक्ट डेसिमल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम सेट 37। प्रॉब्लम सेट 37 में हमें जैसे प्रॉब्लम सेट 36 हमने सॉल्व किया था, वैसे ही 37 में हमें मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और रीड देम अलाउड। हमें इस मिक्स फ्रैक्शन को, जैसे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन मतलब डेसिमल फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 9 1 अपॉन 10, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है 9 1 अपॉन 10, कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी और सिंपल है। 9 जैसे हमें साइड में दिया हुआ है तो 9.1 हो जाएगा, तो 9.1 विल बी अवर आंसर यहाँ पे, क्योंकि 10 दिया हुआ है, 10 में एक ही जीरो है, तो जब हम पॉइंट डालते हैं तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर आएगा, तो इसको बोलते हैं 9.1 हमारा आंसर है। सीधा नेक्स्ट वन में भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो ये 100 प्लेस में आता है, मतलब पॉइंट के बाद 100 नंबर आएगा। तो कैसे करना है, तो 9 लिख लिया मैंने, साइड वाला नंबर 9, फिर उसके बाद पॉइंट। अब हमें यहाँ पे दो जीरो दिए हुए हैं, तो हमें पॉइंट के बाद दो नंबर लिखना है। दो नंबर मतलब दो डिजिट आएगा पॉइंट के बाद, दो नंबर आएंगे। तो कैसे होगा, अभी हमें दो नंबर लिखना है, तो हमें एक जीरो और वन ऐसे लिखना होगा। तो पॉइंट के बाद दो नंबर आने चाहिए अगर नीचे दो जीरो है, अगर नीचे एक जीरो है तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है, ये नोट करना है हमें। तो दिस विल बी अवर आंसर 9.01, ऐसे ऐसे रीड, इसको रीड भी करने हमें आना चाहिए। सी द नेक्स्ट वन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में जैसे मैंने 4 लिख लिया पॉइंट, 4 के पॉइंट यूज कर लिया। अब यहाँ पे 100 है मतलब दो जीरो है, दो जीरो है मतलब पॉइंट के बाद दो नंबर आने चाहिए, तो ऑलरेडी ऊपर हमारे पास दो नंबर है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 53। यहाँ पे भी दो जीरो था बट ऊपर हमारे पास एक ही नंबर था, एक ही डिजिट था, तो इसीलिए हमने ओन से एक जीरो लिया है, तो यहाँ पे 01 लिखना होगा। 10 नहीं लिख सकते, 10 हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसीलिए आगे की तरफ जीरो डालना है, तो 01। वैसे यहाँ पे दब नीचे दो जीरो है तो पॉइंट के बाद दो नंबर, 5 और 3, तो 4.53 ऐसे हमें रीड करने आना चाहिए। 4.53 रीड नहीं करना है, रॉन्ग हो जाएगा, 4.53। जब हम पॉइंट के बाद वाले नंबर को रीड करते हैं तो हमें सिंगल सिंगल रीड करना होता है। लेट अस सी द नेक्स्ट वन, यहाँ पे साइड में कोई भी नंबर दिया हुआ नहीं है और ऊपर 78 दिया हुआ है। अब नीचे दो जीरो है तो दो जीरो है मतलब पॉइंट के बाद में दो नंबर आने चाहिए, मतलब 78 आ रहा है ऐसे। अब आगे में कुछ भी नहीं दिया और यहाँ पे हमें पॉइंट के दो नंबर मिल चुके हैं, तो पॉइंट के दो नंबर आ रहे हैं, तो पॉइंट के दो नंबर लिख लिया। अब आगे क्या लिखना है, तो एक जीरो आगे आ जाएगा, तो ऐसे इसे सॉल्व करना है। तो दिस विल बी अवर आंसर फॉर 7800, तो इसके ऊपर में ऐसे आंसर लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद में अब हमें इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। नीचे दो नंबर, दो जीरो है तो पॉइंट के बाद दो नंबर आने चाहिए, तो पॉइंट के बाद दो नंबर ऐसे बनाना होगा हमें, क्योंकि ऊपर एक ही नंबर है, एक ही नंबर अगर 5 हम लिख देंगे तो 0.5 रॉन्ग हो जाएगा, 0.05 लिखना होगा, क्योंकि दो जीरो है तो पॉइंट के बाद दो नंबर आना चाहिए। अब आगे हमें ऐसे तो हम आंसर नहीं लिख सकते, तो एक ओन से जीरो आगे हमें रखना होगा, तो 0.05 विल बी अवर आंसर। यहाँ पे साइड में कोई भी नंबर नहीं था इसीलिए जीरो हम लिख देंगे, तो 0.05 विल बी अवर आंसर। बहुत इजी है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सॉल्व कर दिया है। लेट अस सी द फर्दर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमें 5 अपॉन 10, तो पॉइंट लिख लिया मैंने, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट डाल दिया ऑलरेडी। पॉइंट के बाद में, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो पॉइंट के बाद में एक ही नंबर आना चाहिए, तो ऊपर 5 है तो वो 5 हम एक नंबर लिख सकते हैं पॉइंट के बाद। साइड में कोई भी नंबर नहीं था तो वहां पे 0 आ गया, तो 0.5 विल बी अवर आंसर। सिमिलरली सेम टू सेम ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे साइड में कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है तो पॉइंट लिख लिया, पॉइंट के बाद एक नंबर आना चाहिए क्योंकि नीचे एक जीरो है, 10 है तो एक ही नंबर आ सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया 2 ऐसे।
क्योंकि 10th प्लेस पे आएगा तो यहाँ पे 10th प्लेस में 2 आ जाएगा, और आगे नंबर नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 ऐसे। तो बहुत सिंपल और इजी है, फ्रैक्शन को हमें समझना है कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसे समझने के लिए अगर ये तो मैंने डायरेक्टली पॉइंट के बाद नीचे एक जीरो होता है तो एक नंबर लिया है, दो जीरो होता है तो दो नंबर लिया है, ये इजी फॉर्मेट में बताया है। अगर इसे डीप में समझना है तो हमें डेसिमल पॉइंट के जो जो यूनिट्स होते हैं वो समझने होंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिख के बता रहा हूँ, 592.324 ऐसे। तो ऐसे मैंने नंबर लिख लिया, पॉइंट के आगे जो प्लेस वैल्यू आते हैं वो हमें आने चाहिए। जैसे यहाँ पे आ गया यूनिट, 2 के ऊपर यूनिट है तो ये यूनिट प्लेस आ गया। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है 10, तो ये 10 प्लेस हो गया। फिर उसके बाद आएगा 100, तो यूनिट 10 100 ऐसे। अब इसके बाद में जब हमें रीड करना है तो जैसे ये यूनिट है, यूनिट मतलब 1 होता है, और 10 मतलब 10 हो गया यहाँ पे, और 100 यहाँ पे 100 ऐसे नंबर्स में। तो यहाँ पे यूनिट मतलब 1 9 10 प्लेस पे और 500 प्लेस पे। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट के बाद में जो आता है वो ऐसे होगा, ये 1/10 ऐसे, ये होगा 1/100, नेक्स्ट होगा 1/1000 ऐसे। तो ये हमें पॉइंट के बाद वाले नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। ये हमें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में सिखाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट 38 में। इसका प्लेस वैल्यू हमें निकालना होगा, तो वो टाइम पे हम ये सीख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है, जैसे ये 2 है तो 2/10, तो 2/10 मतलब ये 10 प्लेस पे रहेगा 2 ऐसे। तो अगर ये 0.2 है ऐसे तो ये हो गया यूनिट प्लेस और ये हो गया 10th प्लेस। 10 प्लेस मतलब 1/10 प्लेस पे आ जाएगा, तो इसीलिए इसको 1/10, तो ये 10 प्लेस पे यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे मैंने 0.2 लिखा है। अभी हमें अगर नहीं समझ रहा है, आगे समझ जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि नीचे एक जीरो था तो मुझे पॉइंट के बाद एक ही नंबर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट की यहाँ पे दो जीरो है नीचे, तो पॉइंट के बाद दो नंबर आने चाहिए। मतलब पॉइंट के बाद में हम दो नंबर ऊपर ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो दोनों नंबर लिख लेना। जब ऊपर सिर्फ एक ही नंबर दिया होता है और नीचे दो जीरो दिए होते हैं, तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह से हमें दो नंबर लेने होंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं 5/100 था, ऊपर एक ही नंबर था बट नीचे दो जीरो थे, तो पॉइंट के बाद दो नंबर लेना था हमें। तो हमने जीरो ऑन से लिया है, तो 0 और 5। यहाँ पे ऑलरेडी दो नंबर दिए हुए हैं तो पॉइंट के बाद दो नंबर आ गए। आगे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो यहाँ 0 आएगा, तो दिस विल बी आवर आंसर। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व कर लिया है। आई होप यू गॉट दिस कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो फिर से जाओ, रिवर्स जा करके देखो, समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 37 सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट के सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। आई होप यू गॉट दिस। प्रैक्टिस करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल, टेक केयर।